العشاء. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اجعل الحق على لسان عمر وقلبي. صدق الله العلي العظيم. دروشيبا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وادب الاحترام मेरे बुजुर्ग दोस्तों भाइयों, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना तैयब ज़ुबैर साहेब दामत बरकातुल आलिया, उनके हुक्म पर आप हज़रात से गुफ्तगू का मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। जुमा का वक़्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर होता है, आप हजरात यहाँ 1 बजे फारिग हो जाते हैं और मैंने कमालिया 2 बजे जाके शुरू कर दी है इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, मैंने कुरान पाक की एक आयत मुबारक और ज़खीरे अहादीस में से एक हदीस मुबारक आपके सामने तिलावत की। गुजरने वाला दिन यकम मुहर्रमुल हराम, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका योम शहादत है। हम मुसलमान इस दिन में और पूरे साल के अंदर हम सहाबा इकराम को और खुसूसन इन अय्याम में अशराए फारूक व हुसैन मनाकर हम असहाबे पैगंबर को सलाम मोहब्बत पेश करते हैं, उनसे अकीदत का मोहब्बत का इजहार किया करते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, वो जनाबे सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अजीम शख्सियत हैं। अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा इनको अता फरमाया कि ये अपनी जुबान से जमीन पे बोलते हैं, रब कुरान बना के नाजल कर देता है। मैं वही आयात बस कुरान पाक में से आपके सामने रस करता हूँ कि जनाबे फारूक आजम के बोल रब को पसंद आ गए, जनाबे फारूक आजम की राय रब को पसंद आ गई, जनाबे फारूक आजम ने पैगंबर की मजलिस में बैठकर नबी को जो मशवरा दिया, रब को वो मशवरा इतना पसंद आ गया, रब ने कहा जिब्रील लब्बैक या जलील, फौरन इन्हीं अल्फाज को कुरान बनाकर मेरे नबी के ऊपर उतारना तेरा काम होगा। कयामत की सुबह तक जो कुरान को पढ़ता जाएगा, वो जब इन आयात पे पहुंचेगा तो वहां फारूक आजम की अजमत बुलंद होगी कि ये वो आयात है कि जिन आयात को रब ने पसंद करके फारूक आजम की राय के मुताबिक रब ने महबूब पैगंबर पे उतारा है। पहले नंबर पर मैंने कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीन आमनू लियस्तअज़िनकुमुल लज़ीन मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीन लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलासा मर्रात। जनाबे फारूक आजम घर में तशरीफ फरमा है, आने वाले घर में मुख्तलिफ लोग हैं, लोंडियां उस वक्त मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे घरों में मौजूद हैं। जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो, दोपहर का वक्त हुआ, नौजवान घर में बच्चा दाखिल हुआ, जनाबे फारूक आजम को पसंद ना आया कि ये तो मेरे आराम का वक्त है, आराम के वक्त में
कोई नाबालिग बच्चा या कोई औरत मेरे कमरे में घर में दाखिल हो मुझे पसंद नहीं है। इसी तरह जनाब फारूक आजम सुबह फजर से पहले का वक्त है, यही उन्होंने नबी को मशवरा दिया। फिर इशा की नमाज के बाद का वक्त है, घर में मौजूद है और उस वक्त देखा और आम घरेलू हालात और वाकयात को देख के हुजूर को मशवरा देते हैं, महबूब पैगंबर मैं उमर की एक राय है, मैं उमर का एक मशवरा है, मैं वो राय देना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया उमर राय तू देगा, मैं तेरी राय को रब के सामने रख दूंगा। जनाब उमर राय देते हैं, महबूब पैगंबर मेरा मशवरा ये है कि सुबह नमाज फजर से पहले बगैर इजाजत के घर में या कमरे के अंदर किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह दोपहर के वक्त में जब आराम का वक्त हो उस वक्त में किसी को कमरे या घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नमाज इशा के बाद किसी को बगैर इजाजत के घर या कमरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये राय जमीन पे बैठ के जनाब उमर हुजूर को देते हैं, हुजूर ने यह मशवरा और राय अल्लाह के सामने रखी, रब ने उमर की राय को पसंद करके हुजूर पे कुरान नाजल कर दिया और नाजल कर के कहा मिनकुम सलास मर्रात मिन कब्ल सलातिल फजर, सुबह फजर से पहले का वक्त हो, वइन तज़ऊन सियाबकुम मिन ज़हीरा ज़ोहर से पहले का वक्त हो, वमिन बादी सलातिल इशा इशा की नमाज के बाद का वक्त हो, अगर कोई घर में दाखिल होना चाहे तो उमर की राय के मुताबिक पहले उसे इजाजत लेना होगी फिर उसे घर में दाखिल होना होगा। तो राय जनाबे उमर ने दी, राय को पसंद किसने किया? ऊंची आवाज से अल्लाह ने राय को पसंद किया। जनाबे फारूक आजम ने राय दी, अल्लाह के महबूब पैगंबर अजवाजे मुतहरात और दीखर हमारी माएं बहनें बेटियां वो घरों से निकलती हैं या वो घरों में होती हैं उनके ऊपर मुकम्मल पर्दा नहीं होता। अजवाजे मुतहरात बाहर निकलती हैं वो उनके ऊपर पूरा पर्दा होना चाहिए। और ये राय जनाब फारूक आजम महबूब पैगंबर को देते हैं, ये राय हया की वजह से देते हैं, ये राय मोहब्बत की वजह से देते हैं और ये राय ऐसी खूबसूरत देते हैं जो मेरे और आपके लिए कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए ये मशाले राह बन जाती है। और आज भी हम अपनी माओ बहनों बेटियों को वो घरों से निकलने लगती है, हम उन्हें कहते हैं भाई आपने निकाब को पूरा करना है, आपने पर्दे को पूरा करना है, आपने बाहर निकलना है तो बगैर जेब और जीनत के निकलना है। आज हम अपनी माओ बहनों बेटियों को ये हुक्म देते हैं, आज मैं आपको नबी के दर के ऊपर लेके जाता हूँ, दरे नबूवत है, जनाबे फारूक आजम दरे नबूवत पे बैठ के हुजूर को ये मशवरा देते हैं, अल्लाह के नबी मेरी राय ये है कि जब मुसलमान औरतें अपने घरों से निकले तो पर्दे की हालत में निकले। हुजूर ने फरमाया महबूब अपने जनाबे फारूक आजम से कहा फारूक तेरी राय मैं अल्लाह के सामने रखता हूं, रब को पसंद आ गई तो मैं आगे हुक्म जारी कर दूंगा। ये राय दी जनाबे उमर ने, जमीन पे राय दी, ऊपर से रब ने आसमान से कुरान को नजर करके कहा या अय्युहन नबीयू कुल्ली अजवाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबी बिहिल, फरमाया आज के बाद मुसलमान औरतें जब भी अपने घरों से निकलेंगी तो पर्दे की हालत में निकलेंगी। नंबर तीन, जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते हजरे अस्वद पे पहुंचे और आगे चल के मकाम इब्राहिम पे पहुंचे तो वहां हुजूर की मैयत थी, हुजूर का साथ था। आज हम भी हज और उमरे के लिए जाते हैं,
लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे बड़े, हम उनकी मईयत में होते हैं। असहाबे पैगंबर की अजमत, शान और मकाम यह था कि वो इमाम उलंबिया की रहनुमाई में और उनकी अमारत में ये इबादत किया करते थे। इबादत करते करते मकाम इब्राहिम पे पहुंचे, जनाब फारूक आजम ने अर्ज किया, महबूब पैगंबर, मैं उमर का जी चाहता है कि मकाम इब्राहिम पे दो नफल अदा करने चाहिए। मैं उमर का जी चाहता है लेकिन चूंकि हुक्म नहीं है मैं अदा नहीं करता। हुजूर ने फरमाया, उमर तूने राय दे दी है, मैं रब के सामने तेरी राय को पेश कर देता हूँ। हुजूर ने ये राय रब के सामने रख दी, रब ने आसमान से जबरील को उतारा और क्यामत की सुबह तक के लिए हुक्म जारी कर दिया कि क्यामत की सुबह तक जो हाजी हज उमरा अदा करने के लिए जाएगा, जब तक वो मकाम इब्राहिम पे बैठ के दो नफल अदा नहीं करेगा, मैं ना हज कबूल करूंगा ना उमरा कबूल करूंगा। मैं अल्लाह उमर की राय को पसंद करके कुरान को नाजिल कर रहा हूँ। वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, अब क़यामत की सुबह तक के लिए ईमान वालों तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि तुमने मकाम इब्राहीम के ऊपर दो नफल अदा करने होंगे। जनाब उमर ने राय दी और राय देकर कहा, महबूब पैगंबर, पैसे देने का हमारे हर बात है। जनाबे उमर ने राय दी, महबूब पैगंबर, आप जिसका नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं ना, मुनाफिक का जनाजा, मैं उमर की राय यह है कि मुनाफिक का जनाजा आप ना पढ़ाएं, बावजूद इसके कि इस मुनाफिक के जिस्म के ऊपर नबुव्वत का लिबास है। मैं उमर की राय यह है कि अगर मुनाफिक और काफर के जिस्म के ऊपर नबुव्वत का लिबास भी आ जाए, रब उसको माफ नहीं करेगा। इसने मुसलमानों के खिलाफ साजिश की है। अल्लाह के नबी मेरी राय को पसंद करें, कबूल करें, बस उसका जनाजा ना पढ़ाए। हुजूर ने फरमाया, उमर मुझे रब ने रोका ही नहीं है। चुनाचे हुजूर मुसल्ले पे खड़े हुए, उमर ने जिद नहीं की, उमर नबी की इक्तदा में मुक्तदी बन के खड़े हो गए। और जब पीछे खड़े हुए, अल्लाह के नबी जनाजा पढ़ाना चाहते हैं, रब ने उमर की राय को ऐसा पसंद किया, फौरन जनाबे जिब्रील को उतारा और उतार के कुरान की आयत नाजल कर दी, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्री। महबूब पैगंबर, मैं क्यामत की सुबह तक के लिए उमर की राय को पसंद करता हूँ और क्यामत की सुबह तक के लिए मैं हुक्म को भी जारी करता हूँ, आइंदा के बाद किसी मुनाफिक का जनाजा पढ़ाने की आपको इजाजत नहीं होगी। सुभान अल्लाह भी कहे ना जरा, ये तो सुभान अल्लाह वाला मजमा है, मुझे पता है। मौला तैयब साहब सुभान अल्लाह वाली गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत करते हैं। मैंने अर्ज किया कि राय पसंद किसकी की अल्लाह ने, और ऊंची आवाज से और मोहम्मद से, अल्लाह राय पसंद करता है जनाबे उमर की। मशवरा दिया गजवाए बदर के बाद हुजूर को, मशवरा यह हो रहा है जो कैदी गिरफ्तार हुए इनके साथ मामला क्या करना है, हुजूर की राय और जनाबे सिद्दीक अकबर की राय। उलमा ने एक बात लिखी है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी जब भी राय मांगते थे तो जनाबे सिद्दीक अकबर जो राय देते थे वो चेहरे नबुव्वत को देखते थे, मिजाज नबुव्वत को देखते थे, मिजाज नबुव्वत को देखकर फिर राय दिया करते थे। और जनाबे सिद्दीक अकबर की राय वही राय हुआ करती थी जो हुजूर की राय हुआ करती थी, इसलिए कि सिद्दीक अकबर मिजाज शनासे नबुव्वत थे। लेकिन जनाबे उमर के बारे में आता है कि जनाबे उमर जो राय देते थे अक्सर हुजूर की राय के मुताबिक नहीं हुआ करते थे।
लेकिन उलमा ने लिखा है कि जैसे ताल्लुक सिद्दीक अकबर का हुजूर के साथ था, फरमाते हैं ऐसे ही जनाब उमर का ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ था। जनाब सिद्दीक अकबर राय देते मिजाज नबुव्वत को देखकर और जनाब उमर राय देते मिजाज खुदा को देखकर, इसीलिए मिजाज नबुव्वत को रब पसंद करके उसी के मुताबिक कुरान को नाजिल कर देता। मैंने कहा बदर का वाकया हुआ, मशवरा हो रहा है कैदियों के साथ क्या मामला करना है, किसको हमने फिदिया दे के रिहा करना है या फिर हमने गर्दनों को उतारना है। सिद्दीक अकबर ने मशवरा दिया, अल्लाह के नबी मैंने चेहरे नबुव्वत को पहचाना है, आपकी राय भी यही है, आपकी चाहत और तमन्ना भी यह है कि हम इनको फिदिया दे के रिहा करें, मैं भी इसी के मुताबिक राय देता हूं। जनाब उमर ने कहा अल्लाह के नबी यूं ना करें, मारका हुआ है, जंग हुई है, लड़ाई हुई है, अल्लाह के नबी जो जिसका रिश्तेदार है वो अपने रिश्तेदार की गर्दन को उतारे, जनाबे अली को कहें अकील की गर्दन को उतारें, जनाबे हमजा से कहें अब्बास की गर्दन को उतारें, मैं अपने अजीज की गर्दन को उतारूंगा, अल्लाह के नबी हुक्म जारी करें। हुजूर ने फरमाया उमर मशवरा हो चुका है और अक्सरियत सहाबा का मशवरा यह हो चुका है कि हमने फिदिया देके इनको रिहा करना है। उमर मैं अक्सरियत के मशवरे को कबूल करता हूं और यह फैसला देता हूं कि फिदिया देके हमने रिहा करना है। हुजूर ने फैसला फरमाया, फौरन जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से कुरान लेके नाजिल हुए, फौरन कुरान उतर आया, मा कान अली नबी की अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्ज। महबूब पैगंबर, मैं सारे सहाबा की राय को एक तरफ, मैं उमर की राय को पसंद करके मैं आपको हुक्म देना चाहता हूँ, मैं रब की मंशा वही है जो उमर की मंशा है, मैं रब की राय वो है जो उमर की राय है। जैसे उमर कहता है महबूब पैगंबर आपको भी ऐसे ही फैसला करना चाहिए था। उलमाए किराम ने लिखा है तफसीर की किताबों में और सीरत की किताबों में अलामा हलबी ने लिखा है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाबे सिद्दीक अकबर इस आयत के उतरने के बाद रो रहे थे। जनाबे फारूक आजम आए, आके अर्ज किया महबूब पैगंबर रोना किस लिए, आंखों से आंसू किस लिए, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान हो जाए, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान हो जाए, आपकी आंखों में आंसू हो ये उम्र से बर्दाश्त नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया उम्र रो इसलिए रहे हैं, रब ने तेरी राय को पसंद किया है और उमर ने तेरी अजमत को बुलंद करने के लिए यह जुमला भी कहना चाहता हूं, आज अगर उमर हम में मौजूद ना होता तो रब का अजाब शायद इस उम्मत के ऊपर आ जाता। इतनी बड़ी बात हुजूर ने फरमा दी। मेरे दोस्त भाइयों बुजुर्गों, वो जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो, मैंने चंद झलकियां मैंने आपके सामने रखी है, मैं कुरान पढ़ता जाऊंगा जनाब उमर की अजमत बुलंद होती जाएगी, मैं कुरान की तिलावत करता जाऊंगा, रब उमर की अदा को पसंद करके कुरान उतारता जाएगा। हम कुरान को पढ़े तो कुरान उतरा आमना के दुर्रे यतीम के ऊपर है, जहां कुरान में हुजूर की सिफात और हुजूर अली सलातो वसलाम की तारीफ और हुजूर के मोजज़ात का जिक्र है, वहीं पे कुरान पाक में तकरीबन 2200 वो आयात है जो रब ने असहाबे पैगंबर की मदा के अंदर, उनकी तारीफ के अंदर रब ने कुरान के अंदर उतारी है, और उनमें फारूक आजम वो शख्सियत है कि रब ने कुरान के 17 मुकामात ऐसे हैं, 17 आयात ऐसी हैं कि रब ने उमर की राय को पसंद करके आसमान से कुरान को उतारा है। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, आए हम उस उमर का नाम लेते हैं, हम उस कबीले से वाबस्ता है, हम उस समाज से वाबस्ता है। इस मुल्क में वक्त ऐसा था, दुनिया
उमर का नाम लेने से डरती थी, घबराती थी। ये दौर था, इस मुल्क में असहाबे पैगंबर का नाम लेना जुर्म था। रब ने झाम की धरती पे एक मर्द कलंदर को उतारा जिसे दुनिया अमीर अजीमत अलामा हक नवाज झनवी के नाम से याद करती है। उन्होंने पाकिस्तान में मदहे सहाबा, दिफाए सहाबा उन्होंने इस अंदाज से किया। आज 12,000 कारकुन और आधी दर्जन कयादत शहीद होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी जमात अपने मिशन के ऊपर, मौकफ के ऊपर, नजरिए के ऊपर आज भी कायम और दायम है। और इंशाअल्लाहुल अजीज जहां भी नबी की बात हो, नबी के सहाबा की बात हो, अहले बैत अतहार की इज्जत और नमूस की बात हो, हम नबी सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इनकी इज्जत और नमूस पे कोई जुमला बर्दाश्त कर सकते नहीं, बर्दाश्त कर सकते। सहाबा हमारा ईमान है, आले बैते अतहार हमारा ईमान है। एक आंख का नूर अगर असहाबे पैगंबर है तो दूसरी आंख का नूर आहले बैते अतहार है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, हमारे मौला साहब भी हैं, मौकारी एजाज साहब हमारी जमात के जिम्मेदार हैं, आप इनके साथ हाथों में हाथ डालें, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाएं और अपने शहर में आप यूनिट कायम करके असहाबे पैगंबर के उस काफले के साथ आप भी शामिल हो जाएं, आप भी राही बन जाएं। कल क्यामत का दिन होगा तो हमारा हाथ सिद्दीक़ उमर के हाथ में होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक।